इस वीडियो में हम वर्लपूल वॉशिंग मशीन के वॉशर को जो काफ़ी जाम हो चुका है उसको निकालने का आपको एक तरीका बताएंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइंसेस चैनल में। दोस्तों यहाँ पे हम एक ट्रिक अपना रहे हैं, ये जो इंपेलर है ये काफ़ी जाम हो चुका है, हमने काफ़ी इसको कोशिश की निकालने की लेकिन नहीं निकल रहा। तो आप दोस्तों हम इस वीडियो में दो ट्रिक बताएँगे आपको। पहली ट्रिक दोस्तों ये है कि हम एक वायर लेंगे और वायर को हम साइड से अंदर डालते रहेंगे, तो ये भी आप ट्रिक आजमा सकते हो। तो आगे आगे आप देखते जाइए वीडियो में कि हम पहले हम कैसे निकालते हैं। ये दोस्तों आप वायर थोड़ी मजबूत लीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वायर मजबूत नहीं थी, थोड़ी हल्की वायर थी, हमने उसकी मदद से इसको ट्राई करने की कोशिश की है। तो ऐसे आप सभी को वायर को अच्छे से खोल कर इसके अंदर डालते रहें, इससे क्या होगा कि इसके अंदर से मजबूती रहेगी और हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ बहुत पूरा बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि जो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल सके। तो ऐसे हमने इस वायर को अंदर डाल दिया है, तो हम इसको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ये दोस्तों जब जाम हो जाता है तो काफ़ी कुछ हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार, कई बार तो हमें काटना ही पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी काटने वाली नौबत ही थी, तो हमने एक दो ट्रिक जो हमारी, तो हमारा जो इंपेलर है आसानी से बाहर निकल गया। तो ऐसे हम इसको ऐसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों तरफ से हमने इसको पकड़ लिया है और हल्का हल्का दोस्तों बाहर आ रहा है ये। तो लेकिन हमारी तार जो काफ़ी कमज़ोर थी इसलिए टूट गई है, तो अभी हम वायर को बाहर निकाल लेंगे। ये ट्रिक दोस्तों अगर आपकी वायर काफ़ी मजबूत होगी तभी काम करेगी, नहीं तो ये काम नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स दिया है, क्योंकि कमज़ोर वायर कभी भी यूज़ ना करें। और दूसरी ट्रिक का दोस्तों मजमाई हमने यहाँ हमने 4 mm की एलकी ली है, ये आप देख सकते हैं, हमने इस स्लॉट में इसको फंसा दिया है और एक और एलकी ली है दूसरी साइड भी, उसको दूसरी साइड में फंसा दिया है। और प्लास की मदद से हमने 2 प्लास लिए हैं और 2 जन हम मिलकर काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है। तो दोनों साइड से दोस्तों हमने ऐसे पकड़ लिया है इसको, तो एक धीरे धीरे हम इसको खींचते रहेंगे, एकदम धक्का मत ना करें, धीरे धीरे खींचते रहें, तो इससे आपका इंपेलर जो है बाहर आ जाएगा। दोस्तों हमें इसको निकालने में 5 मिनट के आसपास लग गए थे, तो वीडियो हमने शॉर्ट में बनाई है, काफ़ी इसको आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा धीरे धीरे, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो आप ऐसे एलकी की मदद से भी इसको बाहर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही जाम था ये इंपेलर, कुछ लोग इसको वाशरी बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा जाम था, उसमें ये कचरा भरा हुआ था इसलिए इसका पानी में प्रॉब्लम आ रही थी, पानी इसका बाहर नहीं निकल रहा था। तो हमने इसको अच्छे से वॉश किया है और वॉश करने के बाद इसको हमने पानी को चेकिंग की है। और इसके बाद दोस्तों जब भी आप इंपेलर को दोबारा लगाएं तो यहाँ पे ग्रीस जरूर लगा दें जहाँ पे ये फंस जाता है, क्योंकि दोबारा निकालने में आपको दिक्कत होगी। और दोस्तों यहाँ पे हमने इस जाली को भी बाहर निकाला है, क्योंकि यहाँ से इसका जो पानी है रुक गया था और पानी बाहर नहीं निकल रहा था। तो हमेशा आप दोस्तों जब भी इसको साफ़ करें, इस जाली को भी साथ में साफ़ करें खोल कर, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, सारा पानी इसके अंदर से बाहर निकलना चालू हो जाए और कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। और दोस्तों इसको रेगुलर आप वॉश करते रहें, जब भी अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको वॉश नहीं करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कचरा भर जाएगा, तो रेगुलर इसको वॉश करते रहें। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी ट्रिक पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस ट्रिक का फ़ायदा उठाकर अपने काम को अच्छे से कर सकें, क्योंकि ये जब जाम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, खुलता नहीं है, तो हमें इसमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ये ट्रिक हमारा जो एलकी वाली ट्रिक थी वो काम आ गई, उससे जो हमारा इंपेलर है बाहर निकल गया, हमने काफ़ी इसमें चोट वगैरह मारी लेकिन नहीं खुला, लेकिन एलकी की मदद से ये खुल गया है। तो आप भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों ऐसी बहुत सारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को और पर सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको हमारी मिलती रहें। और दोस्तों इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी वीडियो
ऑलरेडी इस चैनल पे बन चुकी हैं, तो वो भी जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ऐसी ही दोस्तों लगातार हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी बहुत सारी और वीडियो आपको हमारी रेगुलर मिलती रहे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा स्पेशल वीडियोस और स्पेशल पोस्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ओनली 29 रुपये पर मंथ का खर्चा है। तो उसमें आपके लिए वो स्पेशल वीडियोज़ और स्पेशल पोस्ट आपको मिलेंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। थैंक यू।